अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ कि आप 10 HP मोटर जो कि 3 फेस होती है 440 वोल्ट पे जो कि बिजली पे वापडा पे यानी चलती है, उसको आप बिलों की ज़्यादती की वजह से सोलर पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको कितने पैनल लगाने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा पानी मिल सके, ये मुकम्मल तफसील आपसे शेयर करते चले जाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर हमने 2 सोलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं और इन पे हमने 545 वाट लुंजी कंपनी के 16 पैनल इस्तेमाल किए। इन 16 पैनल्स को हमने सीरीज़ में एक ही स्ट्रिंग में इस्तेमाल किया और इस स्ट्रिंग्स की सेफ्टी के लिए हमने डीसी ब्रेकर 63 एम्पीयर और 11 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया और इन 3 फेस मोटर की सेफ्टी के लिए हमने 30 एम्पीयर का एसी ब्रेकर इस्तेमाल किया और 10 HP मोटर को हमने 6-5 यानी मोलों ब्लॉक के साथ तैयार करवाया और हमने 5 इंच की डिलीवरी हासिल की। जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी का लेवल और इतनी धूप भी नहीं थी, लेकिन पानी माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रेशर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं, एक दफ़ा ख़र्चा करें और इंशाल्लाह बिजली से छुटकारा पाएं।